किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर किशन चंद्रा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, जो कि हमारे कृषि मंत्रालय के अंडर में एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है, अपने ऑफिस के प्रांगण से बोल रहा हूँ। जैसा कि हम लोग समय समय पर आपको विष डिकम्पोज़र के बारे में बताते रहे हैं, इस विष डिकम्पोज़र का 3 साल से करीब 50 लाख से अधिक किसान इसको यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ भी ये वेस्ट डिकम्पोज़र जा रहा है, कोई भी सॉइल हो, कोई भी क्लाइमेट हो, कैसी भी सिचुएशन हो, सब में काम कर रहा है। ज़मीन को 6 महीने के अंदर चेंज कर देता है। अब इसके साथ साथ में अभी तक तो ज़मीन को ठीक करता था, हमारा बीमारियों से बचाता था, कमी थी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की, जो कि हम लोगों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट को बताया। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग जो बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम लोगों ने जो दाल रखा है, 2-2 किलो हर तरह की दाल, इसमें मूंग की दाल पड़ी हुई है, इसमें हमारे जो है अरहर की दाल पड़ी हुई है, 3 तरह की दाल डाली है, 2 तरह की इसमें हमने तिलहनी फसल डाली है, जिसमें कि हमने लिया था सोयाबीन लिया था, और आपका इसके साथ में हमने सरसों का वो लिया था। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बनाते हैं, इसमें जब हमने यूज़ किया, इसको हम लोग फसल में कम से कम 3 बार यूज़ करते हैं, इसका 5% घोल लेके हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, और जब कम हो जाता है तो इसको हम लोग फिर दोबारा इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये देखिए पतला, दोबारा ये पतला हो चुका है। ये पतला होने के साथ जैसे इसमें हम कम होगा, फिर वेस्ट डिकम्पोज़र डाल देंगे, अब जब पूरा कम हो जाएगा तब इसके अंदर हम फिर दोबारा दाल और कील, कॉपर तो इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो कॉपर है, कील हमारा पड़ा हुआ, जस्ता पड़ा हुआ, जो चीज़ नहीं होगी इसमें दोबारा डाल देंगे। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट तैयार होता है। अब इसका रिस्पॉन्स जो है फसल के ऊपर मैंने दिखाया, आज मैं आपको ऐसी फसल दिखाना चाह रहा हूँ जिसका रिस्पॉन्स बिल्कुल ही अलग है, और वो देखने लायक है कि इतना बड़ा चेंज कैसे आया। आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे बगल में जो हम इंग्लिश में फिग बोलते हैं, और अंजीर, हम लोग इसको नॉर्थ में अंजीर बोलते हैं, इसका पेड़ हम अगस्त में इसको लगाया गया था, आज करीब 9 महीने हो गए हैं। इसका ग्रोथ देखिए आप कि कितना अच्छा ग्रोथ है। इसके अंदर हमने हर प्लांट के साथ में 10 लीटर डाला है। अब उसके साथ में घास पड़ी हुई है, देखिए आप, बहुत सारी घास इसमें पड़ी हुई है। अब घास अगर उठा के देखें, देखिए ये खाद बन चुकी है, ये घास में जो हमने डाला डिकम्पोज़र, ये खाद बन गई, और ये करीब 1 फीट तक इस तरह से हमने घास डाल रखी है। तो उसको घास में डालने से, वेस्ट डिकम्पोज़र डालते हैं तो वेस्ट डिकम्पोज़र डालने के बाद वो जब सड़ता है तो उससे कार्बन और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमने किया, जो मेजर काम किया, इसमें 2 बार माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे किया, जो मैंने अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट दिखाया उसका स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद ही ये 9 महीने के अंदर देखिए इसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई। ये जो है अद्भुत चीज़ है कि ये फ्रूटिंग अभी से ही इसमें शुरू हो गई। ये क्लोजअप देखिए, ये आपका दिखाई दे रहा है, इसमें सारे में आपकी फ्रूटिंग आ गई। इधर देखिए, ये डाल में इसके पास में देखिए, इस साइड से कैमरा दो, ये देखिए क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, कितने सारी फ्रूटिंग आ रही है। इसमें देखिए, इसमें भी फ्रूटिंग है आपकी, यहाँ पर, यहाँ भी फ्रूट दिखाई दे रहा है, पत्ते बिल्कुल मोटे और आपके लीव्स कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो ये सारा का सारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग बता रहे हैं, शुरू से मैं बता रहा हूँ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हम लोग बना रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने दालें डाली हैं, तिलहनी वो डाला है, प्लस कॉपर डाला है, जिंक डाला है, और जो वेस्ट है गेरू वेरू सब डाल दिया है, उससे रिजल्ट आ रहा है। जब गेरू डाला था, वो आपको बताया था कि इसमें ठंडापन रहता है, और इससे जो न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर जा रही है, जो प्लांट को चाहिए 18, लेकिन जो हम दे रहे हैं 40-50 से ऊपर न्यूट्रिशन जा रहा है, जिसमें विटामिन्स भी हैं, हार्मोन्स भी हैं, आपके सारे मिनरल्स हैं। तो उसका रिजल्ट है कि ये जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग कर रहा है और प्लांट बिल्कुल स्वस्थ है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जहाँ भी हम डाल रहे हैं, यही एक फसल आपको दिखा रहा हूँ जो कि ये
आपका यहाँ पर गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद में टेम्परेचर बहुत हाई है, ये आपका ज़्यादा उत्तराखंड या हिल एरिया में होता है, लेकिन यहाँ पर भी ये फ्रूटिंग दे रहा है और जल्दी फ्रूटिंग देने के साथ प्लांट बहुत हेल्दी है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग बहुत ज़रूरी है प्लांट के ऊपर, जब फ्लावरिंग हो उसके पहले प्लांट की ग्रोथ हो रही तब भी, तो किसी फसल में तीन बार जरूरी है। ज़्यादा डालें कोई नुकसान नहीं, अगर बड़ा प्लांट है तो उसमें और डाल सकते हैं, तो इसका उपयोग करें और उसका रिजल्ट देखें कि कितना सुंदर रिजल्ट आपको मिलेगा।